तो दोस्तों मित्रों जी, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत करता हूँ इन कौन सा चैनल है ये हमारा, ड्रीमर्स ब्लॉग। एक्चुअली बहुत सारे चैनल हैं तो पता ही नहीं चलता जी। तो आज हम जो रिएक्शन दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक रिएक्शन और मार उडारी। जिवें कि तुहानू पता है, आपां उडारी ही मारते हैं, एक दिन उडारी ही मार जानी है, मेरा मतलब कि इस दुनिया तो। और गाइज, अगर आपको नहीं पता कि मैं इंडिया से हूँ और ये हैं श्रीलंका से, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आई बुआ, यस। तो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं मार उडारी सॉन्ग, जो कि पाकिस्तान की तरफ से है, और देखते हैं ये कैसे होगा और कैसे नहीं। और अगर कोई हाँ यार, चलो पहले हम देख ही लेते हैं रिएक्शन, उसके बाद ही बातचीत करेंगे, ठीक है जी। ये वेरी गुड। तो 1 2 3 और प्ले। मार उडारी, मार उडारी मतलब उडारी मतलब उड़ जाना। वाह, ख्वाब मतलब कि ख्वाहिश। छोटा सा बच्चा है शायद के बेटा। अच्छा नहीं, वो अपने आप को बचपन में, ओहो, मार उड़ा करना है। अरे बहुत अच्छे से यार, अकेले अकेले घूमते हैं हम। ये पाकिस्तान की पंजाबी है। मार उठा कर, म्यूजिक देखो भाई साहब, यार कितना अच्छा है। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे ही, मतलब कुछ फाइटिंग वगैरह। मगर उन्होंने कोई अपना खो दिया। ओए मार उड़ा रही, यार बात कही यार। पता क्या मतलब है कि तुम्हें गले से लगाए हुए कितने बरस हो गए और तुम्हें सोच सोच के हमारी जिंदगी आधी हो गई। करके घर में आ जाओ, मर गया। नहीं शायद और कंट्री में बैठे होंगे, शायद अपने बेटे बेटे के बारे में सॉन्ग है। अरे मतलब जहाँ तो कोई अलग कंट्री में होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे है तो। पर जो भी है, मैं अपने बेटे के बारे में सोच करके देख रहा हूँ, बड़ा ही दुख मिल रहा है यार सोच सोच के। तो गाइस, सॉन्ग की बात की जाए यार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसे लगा हाँ नॉर्मल सॉन्ग होगा, पर उसके बाद जो मतलब जिसने लिखा है ना भाई साहब, यार सल्यूट करता हूँ मैं, क्या यार सॉन्ग है और लिखा रही यार। आया है देख करके। अच्छा, और मैंने ना अपने बेटे के बारे में सोच करके, मैं उसके खुद के बारे में सोच करके ऐसे देख रहा था कि अरसा हो गया है तुम्हें गले से लगाए हुए। अब सोचो आपके साथ कुछ गले से नहीं लग रहा, मतलब आपके सामने नहीं, आप गले से लगाना चाहते हो और आप इसी दुख के कारण आपकी जो लाइफ है ना वो आधी रह गई है। आप मतलब सोच सोच के आपको पता ही नहीं चला कि उम्र निकल गई।
और ये है मतलब सॉन्ग का मीनिंग है, अगर आपको नहीं पता चला हमारे तो। देश में भी बहुत ज्यादा, या मतलब कि उधर क्या फाइटिंग वगैरह था एलजी की, पर ये इसके बाद बहुत लोग मर गया, बच्चे लोग मर गया, तमिल और श्रीलंकन सिंहल लोग के साथ फाइटिंग था, पर सच में ऐसे कुछ भी फाइटिंग नहीं है, तो पॉलिटिक्स में फाइटिंग तो हुआ, पर अब तो सारे खत्म है, अब सारे लीडर्स मिल अच्छे हैं, मिल करके रहते हैं सर। पर हम भी तमिल लोग को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो लोग भी हमें, तो हम सब इंसान हैं, हम कुछ टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद हम धरती छोड़ करके जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हम सबको मिल करके रहना चाहिए भाई साहब, और एक दिन सभी ने चले जाना है। क्यों हम ऐसे बोर्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है। देखो, जो मैं इंडिया से हूँ वो श्रीलंका से हैं, फिर भी साथ बैठे हैं। मैं भी चाहता हूँ यार हमारे साथ मेरे पाकिस्तान भाई बहन सब ऐसे बैठ के रिएक्शन बनाए। सभी चाहते हैं श्रीलंका के साथ ऐसे बनाए, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, कनाडा क्यों आ गए हैं, क्योंकि ये यूरोप में सारे लोग एक साथ रहते हैं इकट्ठे। तो आपको पता है पॉलिटिक्स कभी कभी ऐसी हो जाती है, या मिलने का जब मन करे तो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है भाई साहब कि दूर हो जाते हैं। बना देते हैं लड़ाई, वो पॉलिटिक्स में ही उनका ही न्यूज़ चैनल होता है, ऐसे ऐसे करके जो आम जनता होती है उनको भी लड़ाई करवा देते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी आपको पता ही है जिंदगी है, जीना तो है ही। और हम सॉन्ग की बात कर रहे थे, सॉन्ग में यार बहुत ही ज्यादा भाई साहब एक इमोशन होता है ना, कि कैसे बयां करें हम अपना इमोशन भाई साहब। तो इन्होंने अच्छे से इमोशन अपना बताया, और जो उनका दुख था हम तक पहुंच पाया। अरे ये तो बात सी बन गई, पाया खाया राइम सा हो गया था। तो भाई साहब बहुत ही यार अच्छे से लिखा है जिन्होंने, सबसे पहले तो उनके लिए क्लैप करता हूं मैं। और उसके बाद जो आवाज है ना भाई साहब बहुत ही प्यारी है यार इनकी, और आई लिटरली मूविंग फॉरवर्ड टू वॉच हिज मोर सॉन्ग। सो प्लीज सजेस्ट मी कि कौन सा सॉन्ग पे मैं रिएक्शन दे सकता हूँ। और जो ये हैं श्रीलंका से हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी कह लो चाहे उर्दू कह लो, पर मतलब प्रॉपर नहीं आती, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको, इसलिए माफी माफ करना उनको, मुझे भी कर ही देना। तो आगे बताइए कौन सी वीडियो पे हम रिएक्शन दे सकते हैं, आप कहिए कौन क्या कहना है? सी वीडियो पे, सिंगल में कहिए। हाँ, गुलमती सॉन्ग का कब रिक्वेस्ट कराना है अभी, एक करना। हाँ चलो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।